जिला प्रशासन और समाज सेवियों की अथक मेहनत के बाद तैयार किया गया सिंहवासा तालाब इन दिनों दो शरारती तत्वों के चलते मुश्किल में है। चौकीदार के मुताबिक ये दो लड़के यहाँ रोज अपना घोड़ा घुमाने आते हैं और पार्क को खराब करते हैं। जब इनको मना किया जाता है तो ये मार पिटाई पर उतारू हो जाते हैं। इनकी पिटाई से तंग आकर आज नगर पालिका के द्वारा डायल 100 मौके पर बुलाई गई। साथ ही कैंट थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि दोनों युवकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विवेक कॉलोनी निवासी महेंद्र शर्मा और कुलदीप भटनागर जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, उनके बेटे रोज घुड़सवारी के लिए सिंहवासा तालाब के पास बने पार्क में रोज आते हैं और चौकीदार के मना करने के बावजूद भी पार्क के अंदर घोड़े को लेकर घुस जाते हैं, जिससे घोड़ा अंदर की घास तो खा ही रहा है, साथ ही पेड़ पौधों को भी नष्ट कर रहा है। जब चौकीदार के द्वारा इन दोनों बालकों को मना किया जाता है तो वह इसके साथ मार पिटाई पर उतारू हो जाते हैं। आज तंगा का डायल 100 को इस विषय में सूचना दी गई। हालांकि कैंट थाना प्रभारी ने यह आश्वासन दिया है कि चाहे किसी के भी बच्चे हों, कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखने लायक होगा कि वाकई में कार्रवाई होती है या फिर लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि मामला पुलिस के बच्चों का है। पर चार पाँच दिनों से महेंद्र शर्मा जी और कुलदीप भटनागर जी के बेटे हैं जो विवेक कॉलोनी में रहते हैं, उनके द्वारा घोड़ा सवारी की जा रही है सिंहवासा पार्क पर और काफ़ी लोग बाग परेशान हैं। वहाँ पे जो लोग घूमने के लिए आते हैं काफ़ी परेशान हैं और इसका विरोध चौकीदार द्वारा किया गया तो उसके साथ अभद्रता की गई, उसके लिए गाली गलौज दी गई। आज डायल 100 भी मौके पर पहुँची, पुलिस के लिए भी टाइम कीपर साहब ने आज टीआई साहब के लिए एक आवेदन दिया है शिकायती पत्र कार्रवाई करने के लिए। पुलिस ने भी भरोसा दिलाया है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आपको कैसे जानकारी लगी कि वहाँ पे ऐसा अभद्रता चल कर रहे हैं, वो दिक्कत आ रही है? चौकीदार द्वारा फोन पर बताया गया कि ये लोग मान नहीं रहे, मैं काफ़ी दिनों से इनके लिए समझा रहा हूँ और घोड़ा सवारी करते हैं, घोड़े चराते हैं वहाँ पर, वो काफ़ी हमारे लिए परेशान कर रखा है, मेरे साथ अभद्रता करी जाती है चौकीदार के साथ। जब वहाँ पे विवाद की स्थिति बनी तो आपने पुलिस को कॉल किया था क्या? पुलिस के लिए कॉल भी किया, डायल 100 भी मौके पर पहुँची, पुलिस ने भी भरोसा दिया कैंट थाने ने कि हम बहुत ही जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो हमारे वहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं उनके खिलाफ, चाहे वो किसी के भी लड़के हों, उनके खिलाफ पर कार्रवाई होगी।